जब भी आप एक आइडियल राजस्थान के शहर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? लेट मी गेस, राजपुताना आर्किटेक्चर, पुराने फोर्ट्स, कलरफुल स्ट्रीट्स और हाँ सैंड ड्यून्स। और राजस्थान के मारवाड़ में स्थित जोधपुर एक ऐसा शहर है जो आपको ये सब कुछ ऑफर करता है। एंड टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट यू नीड एन SUV। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे साथ है हॉटली एंटिसिपेटेड टाटा हैरियर। सो लुक्स लाइक इट्स गोना बी अ फाइन डे। It's gonna be a fine day today, I can see. It's gonna be a fine day today, I can see. Gonna be a fine day today for you and me. It's gonna be a fine day today, just wait and see. रिव्यू की शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में आप इतना कुछ सुन चुके हैं, इतना कुछ देख चुके हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट दैट, बट शुरुआत परफॉर्मेंस से, क्योंकि एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे ये बनी है, D8 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है लैंड रोवर के, जिस पर कि लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट भी बेस्ड है। हालांकि टाटा मोटर्स ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और इसे नाम दिया गया है ओमेगा प्लेटफॉर्म। और जो प्लेटफॉर्म में चेंजेस किए गए हैं उनमें ऑफ कोर्स कुछ ऑब्वियस हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की जगह स्टील का इस्तेमाल हुआ होगा ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग की वजह से। दूसरा, ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव बेस्ड ड्राइव ट्रेन आपको ऑफर करता है। कहने का मतलब, इंजन को ट्रांसवर्सली माउंट किया गया है जिसकी वजह से इसे फ्रंट व्हील ड्राइव बनाया गया है, जिससे कि कार लाइक फील आपको ये ऑफर कर सके। बट डज इट डू दैट? तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हैरियर के साथ में एक 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि टाटा मोटर्स ने फिएट से सोर्स किया है। और ये वही इंजन है जो कि जीप कंपस को भी पावर करता है। हालांकि इसे डीट्यून किया गया है हैरियर के लिए। ये कंपस के मुकाबले लगभग 30 BHP कम पावर निकालता है, दैट मीन्स अबाउट 138 BHP, और 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है। अब बात करते हैं कि ये सिटी में कैसा परफॉर्म करती है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर इंजन के बारे में थोड़ा पढ़ा हो या पहले अगर आप जानते हो, तो आपको पता होगा कि इनहेरेंटली इस पूरी सीरीज जो है मल्टीजेट, उसमें एक इशू कह दीजिए या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि 2000 RPM के नीचे बहुत कुछ आपको फील नहीं होता है। कहने का मतलब, सिर्फ पावर जो आपको देखने को मिलेगी वो 2000 RPM के ऊपर ही रहेगी, और 2000 RPM से लेकर लगभग 4000 RPM स्ट्रॉन्ग पावर आपके पास में रहती है। अब इस पर्टिकुलर व्हीकल के साथ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक तो डीट्यून किया गया है, तो ऑफ कोर्स ये उतना पावरफुल आपको नहीं लगेगा जितना कि कंपस है। बट सिटी फ्रेंडली मुझे ये लगा है इस मामले में कि लैग होते हुए भी ये ठीक ठाक ट्रैक्टेबल आपको लगेगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आप रिलेटिवली हाई गियर्स में बहुत लो स्पीड्स करेंगे। और आपको इस इंजन के साथ में 3 मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। अब जो इको मोड है उसमें आपको जो पावर है वो कम मिलती है, आपको डेफिनेटली फील हो जाएगा कि बहुत ही कम पावर आ रही है। और अगर आप सिटी में उस मोड में चला रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग। तो बेटर है आप उसे सिटी मोड में चलाएं, जिसमें कि आपको एक ठीक ठाक बैलेंस मिलता है पावर का भी, और आप एक अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी भी अचीव कर सकते हैं। और स्पोर्ट मोड जो है वो बेसिकली इसका सबसे एक्साइटिंग आप बोल सकते हैं, या फिर सबसे मज़ा जो आपको चलाने में आएगा उसी मोड में आएगा, क्योंकि डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। और एक और चीज़ आपको इस गाड़ी के साथ में ऑफर की गई है, हालांकि फ्रंट व्हील ड्राइव है बट फिर भी टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम आपको इसमें दिया गया है, जो कि लैंड रोवर की कार में आपने देखा होगा। और इसमें 3 मोड्स हैं, मतलब ये अलग मोड हैं इको, सिटी और स्पोर्ट से। ये टेरेन रिस्पॉन्स के मोड है, जिसमें आपको एक सिटी मोड दिया गया है या फिर रेगुलर मोड आप जिसे बोल सकते हैं, एक है वेट और एक है ऑफ रोड। आप ऑफ रोड मोड दिया गया और वेट मोड दिया गया है, तो क्या ये वाकई में ऑफ रोड केपेबल है? तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये एक ऑफ रोड केपेबल व्हीकल नहीं है, एक सॉफ्ट रोडर ही है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं, जैसे कि हमने आज ड्यून्स पर, मतलब अगर आप थोड़ी इजी मॉर्निंग आवर्स में जब हमने चलाया, जब थोड़ा सा ड्यू था या ओस थी, तो उस वक्त
आसानी से चल गई, बट जहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्लिपरी फील हुआ वहाँ पे उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. सो आई वुड रादर कॉल इट अ सॉफ्ट रोडर देन एन ऑफ रोडर. बट हाँ, क्योंकि 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये ऑफर करती है जो कि सेगमेंट लीडिंग है. तो अगर आप जेन्युइनली खराब रास्तों पे जा रहे हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और एकदम से खराब पैच आ गया है और कुछ ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, तो ये इजीली ध्यान रख लेती है. और दूसरी चीज़, जो सस्पेंशन सेटअप है वो टाटा मोटर्स की हर कार का बहुत अच्छा होता है, इसमें भी आपको वो देखने को मिलेगा. और राइड क्वालिटी भी काबिले तारीफ है, मतलब अगर आप रेगुलर स्पीड्स कर रहे हैं या फिर खराब रास्तों पे जा रहे हैं तो बहुत कुछ अंदर आपको फील नहीं होता है. हालांकि जब आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं या कॉर्नर्स में हैं या क्विक लेन चेंज कर रहे हैं तो आपको बॉडी रोल डेफिनेटली फील हो जाएगा. तो क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव नहीं है, मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो क्या ये हैंडलिंग अच्छी ऑफर करती है जो आप उम्मीद करते हैं ऐसी किसी गाड़ी से? तो स्टीयरिंग फीडबैक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मुझे लगा है और बहुत ही प्रसेशन वाला लगा है. और वेट भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब होल्ड करने में से काफ़ी अच्छा लग रहा है. अगर आप ब्रेकिंग की बात करें तो हाँ, इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं, बट उसके बाद भी अच्छा खासा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है. जैसे मैंने अभी अभी 100 km/h स्पीड के बाद में सडन ब्रेकिंग जब इसमें किया तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा. प्रोग्रेशन जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है ब्रेक्स का. हाँ, थोड़ा बाइट और बेहतर हो सकता था, बट आपको कोई परेशानी नहीं होगी ब्रेकिंग के मामले में. और मैं सेफ्टी फीचर्स की भी अभी बात कर लेता हूँ कि आपको बेस वेरिएंट से ही डुअल एयरबैग्स ABS प्लस EBD मिलता है, और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको अप टू 6 एयरबैग्स मिलते हैं. और जो ESP सपोर्टेड जो सारे फीचर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी. हालांकि जो ISO फिक्स चाइल्ड सीट है वो आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मिलता है. एंड नाउ दैट्स काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग, क्योंकि बहुत सारी हैचबैक्स में भी आपको बेस वेरिएंट से आजकल ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलने लग जाते हैं. सो आई थिंक टाटा शुड हैव इंक्लूडेड दैट. एंड नाउ द फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि ऑफकोर्स प्रीमियम कार्स में कंपैरेटिवली कम मिलती है, बट आप इसकी जानकर शॉक हो जाएंगे. और जो टाटा मोटर्स ने डी ट्यून किया है इस इंजन को कंपस के मुकाबले, तो वो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे सीधे तौर पर देखने को मिलेगा. एक तो शहर में कल हम इसको चला रहे थे तो उस वक्त इसने लगभग हमें 14 km/h की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की, और जब हम हाईवे पे चला रहे थे तो कंटिन्यूसली स्पोर्ट मोड में चलाने के बाद भी 17 to 18 km/h की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी ने ऑफर कर दी है, विच आई थिंक इज प्रीटी इंप्रेसिव. टाटा हैरियर अनक्वेश्चनेबली एक अटेंशन ग्रैबर है, और उसका क्रेडिट जाता है इसके डिजाइन को, जो कि कॉन्सेप्ट से बहुत हद तक मेल खाता है. हाँ, कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की बात करें. यहाँ पे ग्रिल को थोड़ा ब्रॉड किया गया है, बंपर अलग है, और आपको मिलते हैं HID प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स, और उसके जस्ट नीचे पोजीशन है फॉग लैम्प्स. दोनों को बेसिकली एक ही असेंबली में रखा गया है, जो कि ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है. LED DRLs भी कॉन्सेप्ट के जैसे ही लगते हैं. साइड प्रोफाइल भी मोर और लेस कॉन्सेप्ट के जैसी ही लगती है, बट जो अलॉय व्हील्स हैं उनकी डिजाइन बिल्कुल अलग है और साइज भी कम है. बट ऑनेस्टली अलॉय व्हील्स कुछ ज़्यादा ही सिंपल लगते हैं. अगर डुअल टोन शेड में होते या डायमंड कट टाइप होते तो और बेहतर लगते, और अगर रिम्स भी एक साइज अप होते तो डिज़ाइन को बेहतर कॉम्प्लीमेंट करते. रियर प्रोफाइल बिल्कुल कॉन्सेप्ट के जैसी ही लगती है, थैंक्स टू द स्पोर्टी बम्पर एंड LED टेल लैम्प्स. तो हाँ, टाटा हैरियर का एक्सटीरियर तो ऑफकोर्स टॉकिंग पॉइंट है ही, बट इंटीरियर भी एक्चुअली बहुत कुछ है बोलने लायक. और मैं ये पहले ही आपको बता दूं कि ये ना कि सिर्फ टाटा की अभी तक की सबसे बेहतरीन इंटीरियर्स हैं, इनफैक्ट अगर आप सेगमेंट में भी कुछ एक राइवल्स की बात करें, स्पेशली अगर आप जीप कंपस की बात करें, तो उससे बेहतर आपको इसके इंटीरियर्स लगेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की. आपको डुअल टोन शेड में ये इंटीरियर देखने को मिलेगा, आपको ब्लैक देखने को मिलेगा और डार्क ब्राउन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा. जैसे कि अगर आप डोर हैंडल्स में बात करेंगे या फिर दरवाजे में ये वाला जो पैनल है उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे आपको डार्क ब्राउन देखने को मिलेगा. सीट्स का कलर भी डार्क ब्राउन है. यहाँ पे वुड फिनिश दिया गया है जो कि इसे काफ़ी अच्छी फील दे रहा है. उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलेगा. और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है वो इसका टच स्क्रीन का जो लेआउट है, कहने का मतलब ये 8.8 इंच की टच स्क्रीन फ्लोटिंग टाइप है.
और काफ़ी सुंदर लग रही है। टच रिस्पॉन्स भी जो है इसका वो काफ़ी अच्छा है और ये अभी एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती है, एप्पल कारप्ले अभी सपोर्ट नहीं करती है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है किसी फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में ये एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करने लग जाए। एक और चीज़ जो मुझे बेहद पसंद आई है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पार्ट एनालॉग है पार्ट डिजिटल है। जो लेफ्ट साइड वाली पूरी स्क्रीन है वो 7 इंच की स्क्रीन मिलती है जिसमें टैकोमीटर आपको मिलता है और MID मिलता है, तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और ओवरऑल देखने में बहुत सुंदर है, अच्छे कलर्स यूज हुए हैं और अगर ब्राइट सनलाइट है तो भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। सेम चीज मैं इंफोटेनमेंट की टच स्क्रीन के लिए भी कह सकता हूं कि रेजोल्यूशन काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और रीच वाइज भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। अब अगर आप सीटिंग की बात करें तो सीट्स बेहद कंफर्टेबल है, आप आगे वाली सीट की बात करें या पीछे वाली सीट की बात करें, कुशनिंग जेन्युइनली बहुत अच्छी है और आप अगर साइड बोल्स्टरिंग की बात करेंगे तो अगर आप एवरेज इंडियन हाइट के हैं तो आई डोंट थिंक आपको कोई परेशानी होगी। इनफैक्ट अगर आप थोड़े और भी अच्छी खासी बिल्ड है तो भी शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ थाई सपोर्ट है जो थोड़ा बेहतर हो सकता था, अदरवाइज आई थिंक बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, अच्छे से आपको होल्ड करके रखती हैं। आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसे 8 वे एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो मैन्युअली आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज, सीट्स जो हैं अगर आप उसे एकदम लोअर कॉन्फ़िगरेशन पे भी रखें, एकदम सबसे नीचे भी रखें, तो भी व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो भी आपको अच्छा व्यू मिलेगा और आपकी हाइट कम है तो आप ऑफकोर्स हाइट से एडजस्ट करके एक अच्छा व्यू ले सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो पिलर है ये बहुत बड़ा लगता है और जो ORVM है वो भी काफ़ी बड़ा लगता है, तो कभी कभी लगता है कि कुछ जगह पर बहुत कुछ ये ब्लॉक करता हुआ नज़र आता है। जब हम व्यू की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो रियर विंडस्क्रीन है उसका साइज एक तो वो थोड़ा बीच में से कर्वी सा है, तो शायद अगर स्क्वायरिश होता तो ज़्यादा बेहतर व्यू मिलता, अभी उतना कुछ खास व्यू नहीं मिलता है। और दूसरा, ये जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है वो रेगुलर है, मतलब ये ऑटो डिमिंग नहीं है, तो रात में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो डिमिंग होता तो और बेहतर होता, ये अभी रेगुलर वाला ही आपको मिलता है। अब अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें, वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं बिल्ड क्वालिटी पे कमेंट करने के लिए, जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होता है हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट अगर आप ओवरऑल फील की बात करेंगे या फिर सॉलिड फील की बात करेंगे तो वो आपको बैठते ही लग जाएगा कि गाड़ी काफ़ी सॉलिड है, दरवाज़ा काफ़ी भारी लगता है और बंद करेंगे तो प्रॉपर यूरोपियन गाज में जो आपको थर्ड वाली आवाज़ आती है वो इसमें आपको सुनाई देगी। उसके अलावा भी अगर आप जहां पर भी प्लास्टिक यूज़ हुआ है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ हुआ है, इनफैक्ट बटन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, चाहे आप AC वाले बटन्स की बात करें या फिर ये जो मोड्स वाले बटन है उनकी बात करें या फिर स्टेयरिंग व्हील पर दिए गए बटन्स। अब अगर आप स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो उस मामले में भी आप निराश नहीं होंगे, बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, हर जगह कभी होल्स जो देखेंगे तो वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जैसे यहाँ 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए। और उसके अलावा अगर ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है, बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं, फ्रंट में आप अपना वॉलेट रख सकते हैं या फ़ोन रख सकते हैं। और चारों जो दरवाजे हैं सभी दरवाजों में ना कि सिर्फ एक लीटर की बॉटल्स, इनफैक्ट अगर आप दो बॉटल्स भी रख देंगे 1 लीटर की तो भी जगह बच जाती है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा खासा स्पेस है। बूट स्पेस आपको 425 लीटर का ऑफर करती है जो कि एक्चुअली स्क्वायरिश सा है तो काफ़ी यूजेबल लगता है, बहुत सारा सामान आप उसमें रख सकते हैं। और अगर आप सेकंड रो ऑफ सीट को फोल्ड करेंगे जो कि 60-40 रेशो में फोल्ड हो जाती है, 810 लीटर तक का आप उसे एक्सटेंड करके बना सकते हैं। अब मैं हूँ टाटा हैरियर के रियर सीट में और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ही आराम से बैठा हूँ, काफ़ी ब्रॉड लग रही हैं ये वाली सीट्स भी, और 3 लोग अगर आप सीट के हिसाब से देखेंगे तो बैठ सकते हैं। बट एक परेशानी बीच वाले को हो सकती है कि यहाँ पे ये जो हम्प है ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग रहा है, तो दोनों साइड पाँव रख के बैठना पड़ेगा। बट अगेन 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं अगर वो आपके लिए परेशानी नहीं है, अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो फिर आप ये सेंटर आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी चंकी है, यहाँ पर भी आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। और उसके अलावा भी अगर आप ये ग्लास एरिया बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा खासा है, तो विजिबिलिटी सेकेंड रो ऑफ सीट से भी अच्छी खासी है। और एक चीज़ जो मुझे सेकेंड रो ऑफ सीट में फर्स्ट रो सीट से बेटर लगी है वो है इसका थाई सपोर्ट, यहाँ पे आपको बेटर थाई सपोर्ट मिलता है फ्रंट के मुकाबले। हेडरूम भी अगर आप बात करेंगे तो अच्छा खासा है, तो आपकी हाइट मेरे जितनी है, एवरेज इंडियन हाइट 5'6" 5'7" तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आप लंबे हैं तो भी कुछ खास परेशानी आपको नहीं आएगी। और जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो AC वेंट है वो यूजुअली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 5 सीटर्स में, बट यहाँ पे बी पिलर पर पोजीशन किया गया है और थ्रो भी जितने पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स थे उनको अच्छा खासा मिल रहा था। बट एक परेशानी है कि यहाँ पे
आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते इसकी स्पीड को, यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया गया है ब्लोअर को एडजस्ट करने का, तो आई थिंक वो शायद यहाँ पे देना चाहिए था। एंड टाटा हैरियर बीइंग अ प्रीमियम एसयूवी आपको हर एक मॉडर्न एज फीचर ऑफर करती है, हालांकि अगर आप सनरूफ ढूंढ रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो कंप्लीट फीचर लिस्ट है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। टाटा हैरियर के साथ में दो दिन बिताने के बाद में मेरे एक्सपीरियंस के बारे में अगर मुझे एक सेंटेंस में बताना है तो वो होगा आई एम माइटी इम्प्रेस्ड। टाटा हैरियर हालांकि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं है, बट ये एक अच्छा राइड और हैंडलिंग का बैलेंस आपको ऑफर करती है और साथ में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑफर करती है, विच मेनी इंडियंस वुड अप्रिशिएट। अगर आप इंटीरियर की बात करें तो बेहद अप मार्केट लगता है और 5 लोगों के हिसाब से ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस आपको देती है। इनफैक्ट अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो ये XUV 500 से भी ज्यादा लंबी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेस मैनेजमेंट कितना अच्छा है। बस एक चीज जो जानने लायक रह गई है वो है इसकी प्राइसिंग, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहद कॉम्पिटिटिव होगी। अगर वो हो गया सो दैट बी लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। सो दैट्स इट पीपल ऑन द टाटा हैरियर। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।